that one is logical reasoning, the other is aptitude, the third is analytical reasoning, and fourth is his critical thinking. And most important, he has to have creativity in it. So much matter is available on the net that it is important for somebody to decipher and disseminate the information. See that the spellings are right. We have got English teachers in our audience, huh? So please check the spellings and then write. Decipher and decimate. Decipher and decimate the information, that which is very much important. If you don't do that, it will be very difficult for. Now, as coming to artificial intelligence, yesterday I was listening to one of my mentor, and she was telling me that people are talking about artificial intelligence, but already everybody is having the thing called as inherent intelligence. हमारे हर बच्चों के अंदर एक चीज होती है जिसको हम inherent intelligence बताते हैं. रूपल मैम ने वो 2 मिनट का वीडियो मुझे शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, जहां पे एक बच्चा कराटे क्लास में एक पत्थर तोड़ना चाह रहा है, एक टाइल तोड़ना चाह रहा है, और उसका कराटे टीचर उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको बच्चे भी मोटिवेट कर रहे हैं, और वो तोड़ नहीं पा रहा तो बच्चा रोता है, तो सारे लोग उसको मोटिवेट करते हैं, इतना उसको एनकरेज करते हैं कि उसका पूरा फोकस होता है कि मुझे काम करना है, तोड़ के दिखाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नेक्स्ट किक पे तोड़ता है और सारे उसको अप्रिशिएट करते हैं. तो आज जिंदगी में हमको COVID-19 के बाद डिप्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट ऑल ऑफ यू एडजस्ट अप्रिशिएट एंड अप्लॉड. प्लीज राइट दिस 3, अमर अकबर एंथनी. Adjust, appreciate and applaud. ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स. सॉरी फॉर द डिले, सम पेरेंट्स हैड कम टू मीट मी. पहला वाला है स्लाइड. सी लुक एट द टॉपिक. प्रतिभा मैम, प्रतिभा पाटिल मैम, आई वॉन्टेड टू नो वेदर दिस इज लिंग्विस्टिकली करेक्ट. एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो वेदर वट एवर आई रिटन इज लिंग्विस्टिकली करेक्ट. रिंकू मैम, एनी कमेंट्स ऑन इट? There is no end written. वो typo error है. But you should know the topic of the discussion is conclusive communication and culmination of coherence in mathematics. बच्चों लोग देखो, ये चार C है ना, वो मैंने जानबूझ के यूज किया क्योंकि मैं, मेरा टर्म है उसका नाम है चांडाल चौकड़ी. तो चांडाल चौकड़ी की वजह से मैंने चार C का नाम लगा. चांडाल चौकड़ी टाइप करो बच्चों लोग. चांडाल चौकड़ी, चांडाल चौकड़ी क्या है समझने के लिए अनिस क्लास से ज्वाइन करना पड़ेगा. तो कंक्लूसिव कम्युनिकेशन एंड कल्मिनेशन ऑफ कोहेरेंस इन मैथमेटिक्स. तो दे पीपल आस्क मी कि भाई ये ऐसा कैसा आदमी है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, क्यों मैं हिस्ट्री भी पढ़ाना चालू किया, ज्योग्राफी भी पढ़ाना चालू किया. तो आई एम अ फाउंडर डायरेक्टर एंड आई लव टू कॉल और आई लव टू बी कॉल्ड एज अ थिंक टैंक, बिकॉज नाउ डेज इंडिया में थिंक टैंक की बहुत कमी है. पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत मिल जाएंगे, इंप्लीमेंट वाले करने वाले मिल जाएंगे, थिंक टैंक नहीं है. मोटिवेशन स्पीकर, मैं खुद के लिए मोटिवेशन चाह रहा हूँ. तो ये डिविजन वोकैबुलरी बनाया मैंने, ये बोर्ड पे देखो, ये डिविडेंड बच्चों को ऐसे समझाना है, डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन. मैं आपको बताऊं, मैं 33 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन लॉन्ग डिविजन मेथड अभी भी बच्चा 10th पास होने के बाद 11th में आता तो उसको लॉन्ग डिविजन मेथड नहीं आता. रिमेंबर दिस. You don't understand, people don't know long division method. How many of you know synthetic division? Please type synthetic division. Please type synthetic division. हाँ, और बहुत सारे ऐसे सट्टे से हैं जिससे मालूम पड़ता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में है. कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको लॉन्ग डिविजन मेथड आना चाहिए, और लॉन्ग डिविजन मेथड से ये क्लियर होता कि जो आपका रिमाइंडर है वही आपका आंसर है. I repeat. Somebody, if you can type complex number में किसी को अगर division आता है तो complex number में एक sum ऐसा है कि उसका सट्टा ऐसा है कि आपका remainder ही आपका answer है. तो if you know this, और synthetic division में तो बहुत सारा चीज है. अगर किसी को synthetic division नहीं मालूम है तो उसके लिए special on demand और hand holding lecture लो. हमारा इंडिया में सबसे बड़ा problem है, CBSE board वालों को नहीं आएगा synthetic division, state board वालों को आएगा. और ऐसे बहुत सारे topic है जो state board वालों को नहीं आएगा, CBSE board वालों को आएगा. ऐसे बहुत सारे चीजें जो आईसीसी बोर्ड में और आईबी वालों को नहीं आएगा. और सबसे भारी तो एनआईएस है, और आजकल इग्नू ने COVID-19 के बाद डिक्लेयर किया कि आपका डिग्री, डिप्लोमा डिग्री, स्किल डेवलपमेंट सब इग्नू से हो सकता. प्लीज समबडी ट्राई इग्नो, IGNOU. थैंक यू. यू कैन गो टू द वेबसाइट, दे हैव गॉट ऑल टाइप्स ऑफ डिग्री. पहले वो प्री डिग्री नहीं देते थे, अभी पोस्ट डिग्री भी दे रहे, प्री डिग्री भी दे रहे, डिप्लोमा के कोर्सेज भी दे रहे, स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है, अपग्रेडेशन भी हो सकता है इग्नो से. इग्नो का फुल फॉर्म लिखो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी.
one of my friend is there. She's working with, used to work with Smriti Irani. Her name is Shakila Shamsu. You've got any doubts? I can help you to get connected. Next slide. So to look at the definition, what is conclusive communication? Conclusive communication is a key part of students' learning. The communication skills that students learn now can benefit them in the future. Ye ek body hai, if you see the teachers who are attending my class lecture, there is a body called National Council of Teacher of Teacher Teaching Mathematics. Inka ek group hai, jisme wo bahut sari cheeze batate hai. One thing that they are trying to focus is changes in the workplace. Increasingly demand teamwork, collaboration and communication. See, now right now teamwork kya hai? Mere staff bhi hai, audience mein staff bhi hai, students bhi hai, collaborators bhi hai aur communicators bhi hai. So it is not a one man show now. Ek aadmi pura kaam nahi kar sakta. To ye teamwork hai, hamara motto hi life ka hai aur class ka work together, grow together. Please somebody type work together, grow together. I see to that everybody, even my man Friday, शिव शंकर है उधर से लेके सब तक टॉप तक सबका ग्रोथ होना चाहिए. तो और हमारे क्लास में हमारे स्टूडेंट्स ही आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमारे यहाँ पियर लर्निंग भी होता है. और मैथमेटिक्स के 7 टीचर है, वो एक दूसरे से कोलैबोरेट करके क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर लेते हैं, शॉर्टकट डेवलप करते हैं. तो वी गिव एज इट इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एज इट इज. द मेजर प्रॉब्लम इफ यू वॉन्ट टू टीच यूरोपियन कंट्री, सी जो हमारे पास है वो यूरोप के पास नहीं है. COVID-19 के बाद ही आपको पता चला वैक्सीन के लिए मारामारी है. हम यूरोप वेस्ट के लिए देखते बैठते थे कि वो लोग वैक्सीन बनाएंगे और इलाज कराएंगे. इतना इंडिया में चीजें डेवलप हो रही है, किधर नहीं है. तो हमको रोल मॉडल बनना है. तो जो मैथमेटिक्स के टीचर है हमारे पास, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग अमेरिकन लैंग्वेज और ब्रिटिश लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा. तो ही वहां के बच्चे सबको म्यूट करो. इफ समबडी इज मेकिंग न्यू एक्सेप्ट मी. Anis, you're logged in from this ID. If you can, I'm unmuted. Thank you. We know that mathematics instruction should be more than teachers writing on their chalkboards and explaining algorithms as they solve the problem, hoping that the students can follow along. आज एक बहुत बड़ा सम था जो मैं बच्चों को नहीं समझा पाया, because then अपने पास writing screen बड़ा होना चाहिए. Chalkboards का जमाना चला गया, whiteboard का जमाना आया, अभी वो भी जमाना चला गया. अभी आपको दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड्स का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कंक्लूसिव कम्युनिकेशन? इट शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वेयर यू हैव टू कोलैबोरेट विद द टीम. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, ये देखो, एक पिरामिड बताया. ये पिरामिड देखो, एक्सपोजिशन. अरे पीछे पीछे पीछे. हाँ, एक्सपोजिशन देखो, राइजिंग एक्शन देखो, इंसाइटिंग इंसिडेंट है, फिर क्लाइमेक्स होता, फिर वो कल्मिनेशन पॉइंट समझाया, फिर फॉलिंग एक्शन और फिर डिनाउंसमेंट रेजोल्यूशन. तो वो कल्मिनेशन समझाने के लिए ग्राफ है. कल्मिनेशन मतलब यू नो द एपेक्स टाइप को, एपेक्स या कल्मिनेशन मतलब है ना द हाइएस्ट पॉइंट, वो जो जेनिथ होता है, जेनिथ लिख सकते आप. नेक्स्ट. तो हमको देखो, किसी भी चीज को अगर हम लोग जब तक उसके टॉप मोस्ट पोजिशन पे नहीं जाएंगे तो हमारे अंदर वो स्किल डेवलप नहीं होगा जिसको मैं बोलता डेक्सटेरिटी. प्लीज टाइप डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी नहीं आएगा. रिंकू मैम, यू कैन, इफ यू समबडी कैन टाइप डेक्सटेरिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एमसीक्यूज. सो एज मैथमेटिक्स एजुकेटर्स वी बिलीव, व्हाट डू वी बिलीव इन? पीपल आर बॉर्न विद इनेट नंबर सेंस. सी, I was talking about inherent intelligence. हर आदमी में कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट होता है जो उसको भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है. मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा फेवरेट लाइन है ये, RW Emerson का पोयम है, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट. रिंकू प्लीज टाइप. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एफोरिज्म. तो गॉड हैज गिवन एवरीबडी सम क्रिएटिविटी, एवरीबडी हैज बीन गिवन विद सम नंबर सेंस. वो लोगों ने उसके अंदर डर बिठा दिया और डर के आगे जीत है. तो मैथमेटिक्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. पहले से भी था, अभी भी होगा और आगे भी होगा इंशाल्लाह.
अगर किसी को व्हाइट कॉलर जॉब करना है तो उसको मैट्स आना जरूरी है। सिर्फ एनडीए में ऑफिसर बनने की बात नहीं है, एनडीए में ऑफिसर बनना है तो मैट्स सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जेडब्ल्यू के एग्जाम में भी 30 ही क्वेश्चन है। दुनिया में अभी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जहां पे 120 क्वेश्चन पूछते हैं। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट रिंकू, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। इट्स एफोरिज्म, प्लीज राइट एफोरिज्म ऑल्सो, एफोरिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच। थर्ड, मैथमेटिक्स इज मोर देन मास्टरिंग फॉर्मुलाज एंड प्रोसीजर्स। बच्चों को ऐसा लगता है कि मेंसुरेशन का सम है, फॉर्मूला लर्न कर दिया बात खत्म, नहीं, आपको समझना पड़ेगा। अभी इसका क्या फॉर्मूला होगा, अगर बकेट का फॉर्मूला पूछा तो कौन टाइप करेगा बकेट का? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में तो कोई भी बोल देगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि बकेट का फॉर्मूला क्या, जहां एक तरफ से ओपन है और मेरे को उसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो उसका क्या फॉर्मूला कोई टाइप करेगा? फ्रस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, सिलिंड्रिकल बकेट, सिलिंड्रिकल बकेट बट ओपन एट वन एंड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया? इफ समबडी कैन राइट ना, आई कैन चैलेंज यू, एनडीए पास है। तो ये प्रॉब्लम है बच्चों का, बच्चों क्या करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। 1300 फॉर्मूला का बुक मिल गया पीडीएफ में से, डाउनलोड करो, याद करो, रट्टा मारो, खलास। और उसको जरा घुमा के पूछा तो क्या काम से? अभी देखो कितना देर हो गया, एक मिनट से ज्यादा हो गया। वेरी गुड, रुद्रेश पाटिल ने दिया 2πRH + πR². तो अभी बच्चों को थॉट प्रोसेस डेवलप कराना है। Then look at circumference 2πR. अब एरिया का फॉर्मूला गलत है, 2πR² πR² है। सर्कल में मैंने आज सम्स किया तो बच्चे नहीं आ रहे, सर्कल के प्रॉपर्टीज 8, 9, 10 के आना चाहिए बच्चों को। अनिश रेशो 0, 1 होता है अगर ये लॉज ऑफ इंडाइसेस है, अगर लॉज ऑफ इंडाइसेस नहीं आया तो लॉग नहीं आता। तो ये सारे चीज, स्क्वायर, ये प्रोट्रैक्टर का क्या यूज है, इंटीजर्स का यूज क्या है, फ्रैक्शन का क्या यूज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम अलग अलग हिसाब से कैसे ढूंढेंगे? एक ही ट्राइंगल का दो फॉर्मूलाज क्या हो सकते हैं एरिया ढूंढने का? ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, वो जमाना खत्म हो गया, चंगू मंगू जुगलबंदी। अब ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी रेस्टू फोर और ए माइनस बी रेस्टू फोर कैसे लिखेंगे? तो ये सब प्रॉब्लम्स होगा, उसको पैस्कल ट्रायंगल आना चाहिए। तो पैस्कल ट्रायंगल के बारे में बच्चों को पता नहीं है। अब्दुल्ला मनसबदार आइसोसेलिस का स्पेलिंग चेक करो। सो दिस आर द थिंग्स विच यू शुड नो। एंड पाए, अभी पाए रैशनल है कि इरैशनल है, कौन बताएगा पाए रैशनल है कि इरैशनल है? पाए का फॉर्मूला क्या है? कल वो हमारा आईआईटी टीचर था, वो बोल रहा था कि March 3rd, 14 March और को पाई नंबर पाई डे बोलते हैं क्योंकि 3.14 है। पाई रैशनल है तो 3.14 रैशनल है कि इरैशनल है? 3.14 तो रैशनल है। अभी 90% टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम है कि वो रैशनल है कि इरैशनल है बता नहीं पाएंगे। 22/7 रैशनल है, 3.14 भी रैशनल है, लेकिन पाई रैशनल है क्यों? तो इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है। ये सब चीजें बच्चों को बताना पड़ेगा, नंबर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहली बार मालूम हुआ, कितने लोगों को मालूम है जरा हाथ ऊपर करो, चैट बॉक्स में रुको, चैट बॉक्स में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में? स्क्वायर को ही हम पैरेललोग्राम को, हर 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 स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा नहीं बोल सकते। तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बच्चों को वो सट्टा मारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ आई से ट्राइंगल तो मेरे दिमाग में आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों लेगा? अगर इफ अ कॉन्सेप्ट इज ट्रू फॉर अ ट्राइंगल देन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैज टू बी ट्रू फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल और एनी अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल, देन व्हाई विल आई टेक इक्विलेटरल ट्राइंगल? Because by taking equilateral triangle, I can take the angles A, B, C equal to 60. All the sides will be congruent. So reverse psychology use करके मेरे को उसका आंसर जल्दी आएगा। अगर मेरे को सम दिया है कि पैलोग्राम है तो मैं उसको, स्क्वायर है तो मैं उसको पैलोग्राम भी पकड़ सकता, रोम्बस भी पकड़ सकता, उसको मैं रेक्टेंगल भी पकड़ सकता। तो ये लॉजिक रिवर्स से कैसा यूज करना है ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा।
Next slide. So reading mathematics. मेरे पास बच्चे हैं. I'll name all the children. The Londe brother and sister. Kavita Londe is a doctor. She's a gynec. She is my student. She was my student. Her son was also my student. Neeraj Londe and his brother both are settled down in US. All three, I'm talking about 20 years back, I used to teach them NTSC, National Talent Search Examination class. I used to take home tuitions at that time. So there was a guy called Colonel Diwan, Alankar Theatre in Pune. Mein. Uske upar unka class hota tha. I don't know whether he's there. He is my Dronacharya and I am his Eklavya. I have never gone to Colonel Diwan, or Mugat is also my teacher in maths, because when I was in Vincent's, I used to teach, I used to take classes, so I could not attend his class. But I used to refer his notes. So on record, he's no more now. Mugat was a very famous teacher in Wadias. And there was no teacher who can teach mathematics like him. So he is my mentor. He is my Dronacharya. So similarly, I used to teach this one girl, Kavita, and two boys about NTSC. They used to go to Colonel Diwan's classes. And the father of the children, Mr. Londe, he used to read the textbook. He used to read the textbook. And now what he used to do is to ask children to read the textbook from the beginning. Geometry or circle hai, aksar mathematics ke teacher, kya karte hai, bachcho log circle sikha raha hun, formula ye hai, start karte hai. Lekin wo padhane ka tarika nahi hai. Padhane ka tarika ye hai ki bachcho ko bitha ke aap unse textbook ko read karwao. Aapke PDF ko read karwao, aapke text ka concept. Kyunki textbook bhi aajkal wrong hai. Aur textbook ka approach bhi wrong hai. Sorry to say it. लेकिन आपने जो नोट्स बनाया उसको रीड कराओ. जैसे मैं ये रीड करने वाला हूं, तो इधर देखो. रीडिंग मैथमेटिक्स मींस एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज ऑन अ पेज, वेदर दैट पेज इज अ वर्कशीट. बच्चे वर्कशीट करते ही नहीं है. स्प्रेडशीट भी हो सकता, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी भी हो सकता, कंप्यूटर स्क्रीन भी हो सकता, कोई भी एक पेज मिला. मैं कितने बार मैंने बच्चों को दिखाया कि बच्चों के पुराने बुक्स उठाता हूं मैं, उसमें से सट्टा ढूंढता हूं, या फिर कोई जर्नल हो सकता. In other words, any resource that student might use to learn and apply mathematics, that particular boy or girl should read. The teacher should read first. Sorry, annotation band karo. Pata nahi. Jo host hai, zara annotation band karo. So obstacles to reading maths. Hamare dimag mein bahut abstract ideas rehte hain. Abstract ko concrete banana zaruri hai. The figure of speech is metonymy. Rinku right metonymy. This is jugalbandi. Mathematics mein English sikha raha main. बच्चे लोगों को मिटोनॉमी क्या पूछना नहीं मालूम है, ये भी बता था. मैथमेटिकल सिंबल्स, कई बच्चों को मैथमेटिकल सिंबल समझता नहीं, बिलोंग्स टू समझता नहीं है, वर्ड ऑर्डर समझता नहीं है, और मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक्स उसका नाम बोलने की जरूरत ही नहीं. बहुत सारे मिस्टेक्स है. तो आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट. नाउ लुक एट दिस सम. अब ये सम को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कितना आसान किया मैंने. कल मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, 1 to 10 लिखा ना, तो आप पहले 10 नंबर का एडिशन कर सकते हैं. 1 to 10 लिखो, 1 to 10 देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखो. आप लिखेंगे ना तो उसका एडिशन 55 होगा. यस श्रीराम, वेरी गुड. तो वो कितने अच्छे से उसने समझाया विजुअलाइजेशन. बैक बैक बैक, पीछे जाओ पीछे. हाँ ये देखो, ये देखो, एक सम है. इफ द गेम स्टार्टेड एट 5:15 PM, लुक एट द सम, एंड इट इज जस्ट फिनिशिंग नाउ एट 8:40 PM, हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट. तो बच्चों को कैसे समझाना, 5:15 को स्टार्ट किया, 6 o'clock तक 45 minutes, फिर 6 o'clock से 8 o'clock तक 2 घंटे, और 8 o'clock से 8:40 को और 40 minute. तो आपने ये जो बनाया ना, देखो ये 45, ये 2 और ये 40, add करो, add करो तो आपको समझ में आएगा. 45, 40 कितना हो गया, 85, 85 मतलब 60 गया, तो वो आवर में कन्वर्ट हुआ, तो वो 2 आवर और 1 आवर 3 आवर हो गया, और बचे ना 25 minutes. कितने लोगों को ये सम समझ में आया? How many of you understood the sum? Yeah. How many of you understood how to explain? Chart बना के कितने अच्छे से समझाया, कितने लोगों को समझ में आया? मैंने simple इसलिए रखा कि सारे लोगों को समझ में आया, कि बच्चों को maths को समझाना है कि बहुत easy है. अगर जितना आप बच्चों को समझाएंगे बहुत easy है, तो बच्चे को interest develop होगा. मेरे क्लास में दो लड़कियां आती थी सिटी हॉस्पिटल की, कोमल और शीतल. तो दोनों बच्चों को माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे. मैंने इनको इतना मैथ्स पिलाया कि वो बोले कि हमको इंजीनियर बनना है. बाद में पेरेंट्स ने पैसे देके उनको बीडीएस और डेंटल और आयुर्वेदिक कराया. तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करना हमारा काम है. बच्चे खुद ब खुद पढ़ लेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड. तो रिवॉर्ड ऑफ रीडिंग, कोई भी चीज को हम काम करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा.
तो रीडिंग मैथमेटिक्स से क्या रिवॉर्ड मिलेगा? नेक्स्ट स्लाइड, रीडिंग मैथमेटिक्स से हमको क्या रिवॉर्ड मिलेगा? व्हाट इज द रिवॉर्ड दैट यू गेट इन मैथमेटिक्स? टेल मी प्लीज, राइट इन द चैट बॉक्स बिफोर द स्लाइड इज बीइंग शोन टू यू. आगे वाला स्लाइड दिखाओ सर्जिल सर. हाँ थैंक यू. तो रिवॉर्ड ऑफ रीडिंग मैथमेटिक्स इज सबसे पहला मोटिवेटिंग. द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड सिंबल्स मेक्स मैथमेटिक्स एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स. बच्चा अगर मैथ्स को पढ़ेगा, रीड करेगा, तो बहुत सारी चीजें खुद समझ जाएगा. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेरा फेवरेट वर्ड है, एम्पावर, एंगेज, कनेक्ट. रिंकू प्लीज राइट दिस, एम्पावर, एंगेज एंड कनेक्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पावर, एंगेज एंड कनेक्ट. तो एम्पावरिंग में क्या होता है? स्टूडेंट्स आर एम्पावर्ड बिकॉज व्हेन रीडिंग दे विल एंगेज विद द एंड मेक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स. अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं ना तो समझेंगे ही नहीं. पालता घड़ा नहीं बनना है. पालता घड़ा लिखो बच्चों लोग, पालता घड़ा. और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवॉर्ड ऑफ रीडिंग में, मेरा डायलॉग है, लिखो नया डायलॉग आज से, घंटों का काम मिनटों में होगा. प्लीज टाइप, घंटों का काम मिनटों में होगा. कंड्यूसिव टू स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. स्टूडेंट्स हु आर रीडर्स कैन बी ऑटोनोमस सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स. जो बच्चे को पढ़ने की आदत है टेक्स्ट बुक को, खुद ब खुद आगे बढ़ेगा. उसको सिर्फ चाल देने की जरूरत पड़ती है. उसके लिए नॉलेज बाउंडलेस है, बॉटमलेस पिट है. तो पढ़ने की आदत बनाना है. कितने लोग मैथ्स पढ़ने का डिसाइड किया अभी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड टू रीड मैथ्स? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल रीड मैथ्स, आई विल रीड द टेक्स्ट, आई विल रीड द कॉम्प्रिहेंशन, आई विल रीड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई विल नोट इट डाउन माई सेल्फ, आई विल मेक माई ओन सट्टास, आई विल मेक मैथ्स इनोवेटिव. I love to read mathematics. In fact, those who are doing NDA should read maths. सबसे ज्यादा वेट मैथमेटिक्स का है, 120 क्वेश्चन आते हैं. Next, look at the communication. कोई आइडिया है? Use of pictures या symbols या actions से convert होता है, फिर वो coding होता है, gestures या numbers से, फिर decoding होता है, फिर वो interpretation of pictures से symbols and actions है. Then only the idea is received. तो अगर मैं मैथ्स, अगर मैं अगर कुछ बोर्ड पे लिखू नहीं, व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखू नहीं, ड्रॉ नहीं करू, वो कंसेप्ट आपके सामने विजुअलाइज नहीं होता, तो वो कंसेप्ट विजुअलाइज नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर पाते. तो इट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू विजुअलाइज द कंसेप्ट. तो अनलेस एंड अंटिल इफ यू डोंट विजुअलाइज द कंसेप्ट, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सेंडर एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू अप्रोच. इनफैक्ट आई टेल पीपल टू वॉच मैथमेटिक्स मूवीज. Write down, bachcho log, watch mathematics movies. There are movies on maths. There are two channels which are very important. I told you. What are the channels that I told you to read? Huh. Three brown and one blue. Three brown and one blue. Likho. Bahut achha channel hai maths ke liye. And one more thing that you have to understand is. नंबर फाइल, नंबर फाइल करके भी एक बहुत अच्छा साइट है. मैं इसको शेयर भी करता हूं आपके डाउट ग्रुप में. यू हैव टू रीड दिस. या PHILE है, PHILE, इट इज नॉट FILE, PHILE. थैंक यू. यस रोहन डोबाले, यू हैव राइट. सो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट. Now, so look at the words now. Here we'll spend most of the time here. Try to understand. Abhi kon meko batayega bachcho log? Altitude. Main altitude se start karta. Altitude matlab kya? Ek triangle mein altitude ko kya bolte hain? Match padhna kyun zaruri hai? Triangle mein altitude height. Acha, kisi bhi triangle ka height ek dusre ko intersect karta, wo concurrent rehta, right? Concurrent. Right? Concurrent. Concurrent. If you draw altitudes of a triangle, they are always concurrent. Huh. So if they are concurrent, what is the point of concurrence called? Very good, orthocenter. Now tell me, if it is a acute angle triangle, where will be the orthocenter? If the triangle is acute angle, where will be the orthocenter? Inside. Very good. Satta hoga ki nahi hoga? If the triangle is a right angle, where will be the orthocenter? At right angle. Very good. If the triangle is obtuse angle triangle, where will be the ortho center? Outside.
तो ये अमर अकबर एंथनी है, ये हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन कितने लोगों पहली बार इमेजिनेशन गया कि ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है, ये बात ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। मैंने सिर्फ एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है, हाइट या एल्टीट्यूड। तो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट टाइम? हाँ, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई हैड अ बॉय कॉल्ड वीर ऑन रिकॉर्ड, आई टेल यू, ही वाज फ्रॉम सैनिक स्कूल सातारा। When he came to my class, I started with altitude. He has finished his 12th, but he was not knowing orthos and incenter. He cleared NDA exam thrice. वहाँ से शुरुआत है बच्चों का। बच्चों को हमको बेसिक से उठाना पड़ता है, जिसको हम हैंडहोल्डिंग बोलते हैं। तो अगर वो नहीं करें तो आगे नहीं बढ़ सकता वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए। बेस, अभी देखो ये बेस से बताओ, एनी तो इनफाइनेट है, मेरे पास टाइम नहीं है। बेस से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय बेस एंगल ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल? व्हाट डू यू मीन बाय बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल? अच्छा, somebody can write IFF, if language का इंपॉर्टेंस देखो, इसका मीनिंग क्या होता है? रिंकू, कैन यू राइट IFF? मोनिका, IFF, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हाँ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ के ऊपर बात करने वाले आशा मैम दो दिन के बाद, उसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इन मैथमेटिक्स। इनको दो मेरा मोबाइल, इनको दो सर, उसमें सरफ में टाइप करो। आशा मैम का टॉपिक का नाम इफ एंड ओनली इफ होगा। आशा मैम का टॉपिक का नाम डिजाइन ग्रुप में डालो। चलो, व्हाट डू मीन बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? बॉयज प्लीज टाइप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका क्या मतलब होता है मैथ्स में? ये 8, 9, 10 के ज्योमेट्री में था, इसका मतलब क्या होता है? किसी कोई बताएगा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है? मैं तुमको समझाता हूं, बेस एंगल्स अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल का रहेगा तो उसके बेस एंगल्स कॉमन रहता है। अगर ट्रायंगल आइसोसेलिस है, इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलिस, देन द बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ और देन, तो ये इफ और देन इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? इसको वही इफ और देन को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक आइसोसेलिस ट्राइंगल का, पानी पिला, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल का, आइसोसेलिस ट्राइंगल का वर्टेक्स एंगल अगर 60 डिग्री हो, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल का वर्टेक्स एंगल अगर 60 डिग्री हो तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? फास्ट, what I'm saying, tell me that if isosceles triangle ka vertex angle 60 degree ho to us triangle ko kya bolenge? Likha bachcho ne? Anybody has written? I am repeating. Yeah, very good. Equilateral triangle. Abhi equilateral triangle se how do you represent complex cube root of unity on equilateral triangle? How do you represent complex cube root of unity on equilateral triangle? Anybody? Equilateral का बहुत सारे बच्चों का spelling wrong है। Little Dan is, I have a question. Yes, you can ask. Graph और उसको तन में इससे भी वापर सकते हैं हम लोग। One omega और omega square. Okay, I'll talk to it about it later on. Argon diagram, very good argon diagram, fantastic Rudresh. Now look at this combination. Abhi combination word ka kitna simple meaning ho gaya. Lekin hum log kya batate bachcho ko, kyunki lecture zyada nahi bataunga. Combination ka hum sum kab karte hain bachcho ko nahi malum rehta. To combination ka sum karne ke liye, logic develop karne ke liye, it is very important that the particular boy or girl knows English, proper English. Pratibha Patil ma'am always advise me on it. Exhorts me on it that your children should be talking in English. The problem is the moment I start talking in English, other half of the children, they don't understand what I'm doing. So language is very important. Those who cannot understand English cannot do sums on permutation combination. Permutation ka matlab kya hota? Or combination ka matlab kya hoga? Who will tell me this? Hum permutation ka combination tab wapar de jab selection, Om Rai right hai. और परमिटेशन का हम यूज करते हैं,
लिखना होम राइट पूरा लिख राइट कॉम्बिनेशन तब यूज करते हैं जब हमको अरेंज करना होता है और कॉम्बिनेशन तब यूज करते हैं जब सिलेक्ट करना होता है। अब ये बहुत बेसिक फंडा है लेकिन बच्चों को सम पढ़ के ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन कब यूज करते हो और परम्यूटेशन कब यूज करते हो। उसी में कंफ्यूजन तो अक्सर लोगों का रहता। और एक वर्ड है कॉम्बिनेटोरिक्स, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंप्यूट एंड कंप्यूटर, ये मालूम होना चाहिए कंप्यूटर और कंप्यूटर क्या है। चलो आई विल नॉट गो इन टू दैट डिटेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन, what is the difference between concurrent and equivalent, I'll tell you what is the difference between congruency and similarity। congruency ke char test likh ke dikhao bachcho log, congruency ke char test batao kya kya, what are the four tests of congruency, please write sss sas bhai dekho abhi ye rudresh patil rhs ye test nahi hai, sss ho gaya, sas ho gaya, as ho gaya और एस ए ए होता है रुद्रेश। आरएचएस ये थ्योरम है या पॉपुलैरिटी नहीं, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में एसएसएस एसएएस और ए ए और एक ए करोलरी भी हो सकता। कितने लोग ये बात समझते हैं, वन टू वन करेस्पॉन्डेंस, वन टू वन करेस्पॉन्डेंस, प्लीज टाइप वन टू वन करेस्पॉन्डेंस। व्हाट इज वन टू वन करेस्पॉन्डेंस, या ये वन टू वन करेस्पॉन्डेंस का यूज होता है, सिमिलैरिटी में यूज होता है। टाइम पास क्वेश्चन, आईपीएस अभी क्या चल रहा है और क्या पूछ रहे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का वर्ब क्या होता है, एनीबडी? अभी अगर बच्चों को पता है एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो एग्जाम्पल को वर्ब फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है वर्ब फॉर्म उसका? स्पेलिंग रॉन्ग है, एग्जाम्पलरी गलत है, उम्र है, एग्जाम्पलीफाई का स्पेलिंग रॉन्ग है रुद्रेश। और हम बोलते हैं कि हमारा इंग्लिश अच्छा है, हमारा टीचर तो बोलता है कि सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ो, गलत बात है। ये तो हमको कंटिन्यूसली हमको डेवलप करना है, इसलिए मैं खुद पढ़ा रहा हूँ अभी। वेरी गुड उम्र, वेरी गुड। एग्जाम्पलीफाई में ये आता है, तन्मय गलत है, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलरी एडजेक्टिव है, अंश श्रीराम। तो यही मैं बताना चाह रहा, कंफ्यूजन टर्म्स मतलब इफ यू आर नॉट रीडिंग मैथ्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। फैक्टर में और फैट का मतलब क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम बोलो, एक चीज का नाम है फैक्टर थ्योरम, उसका मतलब क्या होता है? अरसलन खान अभी भी एग्जाम्पलीफाई का स्पेलिंग रॉन्ग है, जरा ऊपर देख, रिंकू मैम ने राइट लिखा है, नरेंद्र बंगाले ने राइट लिखा है, अभिषेक बेलगांवकर ने राइट लिखा है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ऋषिकेश सिंगले, किसको मालूम है फैक्टर थ्योरम क्या और रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसमें फर्क क्या है? इसलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमको ये सब चीजें नहीं मालूम तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। हाँ मेरे को बताओ, आप डाउट ग्रुप पे डाले तो चलेगा, मैं अगर ये बताते जाऊंगा तो मेरे को और टाइम लगेगा, मेरे और स्लाइड्स बाकी है। बट फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम टाइप करो, इसका क्या फायदा, सट्टा कैसे मार सकते हैं, इसको समझना जरूरी है। सिंथेटिक डिविजन, और एक तरह से डिस्कार्डेस थ्योरम ना, और एक थ्योरम है डिस्कार्डेस रूल, इसके बारे में कभी सुना था क्या? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर टाइप नहीं होगा, डिस्कार्डेस रूल आप टाइप करो। हाँ, डिस्कार्डेस थ्योरम, वेरी गुड देवराय। कंफ्यूजिंग फॉर्मेट्स, एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स। एनालॉग का मतलब क्या, डिजिटल का मतलब क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, एनालॉग क्लॉक के अंदर 7:20 जब होगा तो उसके एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड कितना होता? नहीं गलत है अभय, गलत है तन्मय, राइट है 100 100। ये जीआरई का क्वेश्चन है, जीआरई और जीमैट का भी क्वेश्चन है। फैंटास्टिक, what is the angle between hour hand and minute hand when it is 720? उसका सट्टा क्या है? अगर आपको एंगल निकालना है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में का, तो उसका सट्टा क्या है? सट्टा, what is the shortcut that we use to find the angle between hour hand and minute hand? Very good रुद्रेश पाटिल, 13 to hour hand minus 11.2 into minute hand। कितने लोगों को मालूम पड़ा 11/2?
ये सट्टा कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? चैतन्य गलत लिखा, चैतन्य राइट लिखा। हाँ जो क्या बोलेंगे उसको, रिलेटिविटी, फाइव एंड हाफ का डिग्री का रिलेटिविटी रहता है, फाइव एंड हाफ। उदय सर को पूछो ये फाइव एंड हाफ का क्या मतलब है, फाइव एंड हाफ डिग्री, आवर एंड और मिनट एंड में फाइव हंड्रेड हाफ डिग्री से क्या कंसेप्ट है, ये उदय सर को पूछ रहा हूं। अच्छा क्वाड्रेंट लेआउट, क्वाड्रेंट कितने लोगों को समझता, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, और जिसको जिसको 2D आता उसको 2D से वो 3D में जा सकता है, उसको ऑक्टेंट बोलते हैं। रिंकू प्लीज टाइप ऑक्टेंट, OCTND। अच्छा कितने लोगों को फॉर्मूला एंगल रोटेशन, कितने लोगों को मालूम है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला, राइट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। रिंकू मोनिका प्लीज राइट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, या नाउ राइट एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, या वेरी गुड। उसमें छोटा एक्स क्या रहता है, छोटा एक्स और छोटा वाई, नाना पाटेकर का डायलॉग, छोटा एक्स और छोटा वाई क्या होता है, रोहित सोनी छोटा एक्स और छोटा वाई क्या होता है, रोहित सोनी हाँ, छोटा एक्स और छोटा वाई जो होता है वो होता है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, और बड़ा एक्स और बड़ा वाई होता है वो न्यू कोऑर्डिनेट्स, बड़ा एक्स और बड़ा वाई, और एच और के जो होता है ना वो द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड, द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। अगर किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कंसेप्ट नहीं मालूम है वो एनडीए पास नहीं हो सकता। अच्छा कितने लोगों ये भी मालूम है कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का रोटेशन वाइज भी होता है, रोटेशन का भी होता है, रोटेशन का मैजिक ट्रायंगल कितने लोगों को मालूम है, मैजिक ट्रायंगल हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को रोटेट कर सकते, रोटेट जैसे गाड़ी रोटेट करते, रोटेट पास्कल ट्रायंगल नहीं बोला मैंने, मैजिक ट्रायंगल मैट्राइसिस का, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं पता हाँ तो इसके लिए लेक्चर लो, नहीं पता तो अथर्व गोदावड़े ये नहीं पढ़ रहा तो एनडीए पास नहीं होगा, हैंडबुक में है। नेक्स्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, कितने लोगों को डेस्मोस पता है, डेस्मोस हाँ तो डेस्मोस से पढ़ना सीखो। इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, हम इमेजिनरी नंबर को वैल्यू बताओ, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ना इसे, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में आता है कि सबसेट है रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर किसका सबसेट है, सुपरसेट, पूछ रहा हूँ बच्चे को, सुपरस्क्रिप्ट और सबसेट नहीं मालूम इसके लिए पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सुपरस्क्रिप्ट और मैं क्या पूछ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का सबसेट है क्या, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। रुद्रेश पाटिल वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सबसेट ऑफ ऑल, तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट बोल सकता क्या, हाँ ये बातें पहली बार मालूम पड़ रहा, ऐसे कितने लोग हैं। लिमिट का क्या मीनिंग है, लिमिट का मतलब क्या है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लिमिट, हम कैलकुलस में लिमिट क्यों करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी राइट, डिफरेंशियबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स, what is the meaning, what is the difference between differentiability and differentiation, Rinku right, derivatives to theek hai, what is the difference between differentiation and differentiability, look at the language, yeah differentiability and differentiation, Monika ma'am differentiation hota hai wo process hai, differentiation process hai और डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट है, लिखो, और डेरिवेटिव उसका रिजल्ट है, तो अभी ऐसा लिखो अमर अकबर एंथनी, डिफरेंशिएशन पहले डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन ये प्रोसेस है,
finding out a derivative, a differentiability a test है. ये बात पहली बार कितने लोगों को समझ में आया? Differentiation, differentiability और derivatives. ये हमारे ऊपर एंथनी है. इस पर शाहरुख सर लेक्चर लेने वाले नेक्स्ट. Differentiability, differentiation और derivatives. इसमें शाहरुख सर का लेक्चर होगा इंशाल्लाह. आज 7:30 से 9:30 जिनको सेट रिलेशन फंक्शन का बेसिक नहीं आता वो बेसिक सीखने के लिए शाहरुख सर के लेक्चर में आ जाओ. आई एम श्रीराम. हाँ बोल. हाँ बोलो ना. फैंटास्टिक. नेक्स्ट, मीन और मीडियन में क्या फर्क है? बच्चों लोग देखो, मैं कंफ्यूजिंग टर्म्स को क्लियर कर रहा. अगर तुमने ये सब चीजें आपको नहीं मालूम तो मुश्किल है. मीन और मीडियन में क्या फर्क है? मीन किसको बोलते हैं, मीडियन किसको बोलते हैं? मीन मतलब एवरेज है और मीडियन मतलब बीच का बंदर है. मीन मीडियन अमर अकबर हो गया, इसका एंथनी क्या है? मीन मीडियन अमर अकबर हो गया, एंथनी कौन है? मोड. जिसको मीन मीडियन और मोड नहीं मालूम वो एनडीए पास नहीं हो सकता. मोनिका मैम आपके नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों को मीन मीडियन मोड के बारे में बताओ, क्योंकि एसपीआई के बच्चों को स्टैटिस्टिक्स नहीं आता. तो मीन मीडियन मोड ये तीनों चीज बताना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. हाउ डू फाइंड मीन ऑफ टू नंबर्स? अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर लिख के दिखाओ ना बच्चों लोग. फास्ट राइट अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स प्लीज. राइट हाँ, ए प्लस बी बाई टू. नाउ राइट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. राइट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. रूट ए बी. आंस श्रीराम वेरी राइट. नाउ राइट हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. एच एम हार्मोनिक मीन. फैंटास्टिक. ऋषिकेश इंगले. ओम राय. कैरी मिनाटी थैंक यू वेरी राइट. अरे कैरी मिनाटी तुम जाएगा यार तन्मय के आगे जाएगा. रोज लेक्चर में आते जाते नाम से तेरे लिए दुआ देता. गाली गलौज मत कर बस. नेक्स्ट, व्हाट इज हाउ टू फाइंड मीन ऑफ थ्री नंबर्स? अच्छा, हैप्पी बर्थडे कैरी मिनाटी. तेरा बर्थडे आज. हैप्पी बर्थडे कैरी मिनाटी. हैप्पी बर्थडे फॉर यू. थैंक्स फॉर playing the role of a comedian in our class. हाँ, sides बहुत बाकी है. Sorry यार, मैं 5:40 तक lecture लेने वाला हूँ. रिंकू मैम का lecture मैं ही लेने वाला हूँ. ये arithmetic mean between तीन numbers हो गया. Geometric mean between तीन numbers. Geometric mean between three numbers. Yeah, very good. Cube root of ABC. Harmonic mean between three numbers. हार्मोनिक मीन बिटवीन थ्री नंबर्स. एनीवन? देवराय तूने गलत लिखा बोलता. अंश श्रीराम ने राइट लिखा ना. क्यूब रूट बोला ना सर उन्होंने, लेकिन लिखने नहीं है. रूट एबीसी नहीं आएगा. अंश श्रीराम क्यूब रूट ऑफ एबीसी आएगा. हाँ या वेरी गुड. तन्मय कुलकर्णी राइट लिखा क्या? ओमराय तेरा गलत है. हार्मोनिक मीन तीन नंबर का 3/(1/a+1/b+1/c) आता. वैसे एन नंबर का भी आना चाहिए अगर लिख पाए तो ठीक है, नहीं तो आगे जाएंगे. मीन मीडियन और मोड का फॉर्मूलाज भी आना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज अगर कोई टाइप करे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है. गूगल से बच्चों को आना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में. मीन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन निकालने का फॉर्मूला और मोड निकालने का फॉर्मूला. और एक चीज बताता जो बहुत इंपॉर्टेंट है. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और शिफ्ट ऑफ स्केल वो क्या होता है? मीन मीडियन मोड में बराबर बोलो ना. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और शिफ्ट ऑफ स्केल. स्केलिंग मल्टीपल समझ में आया सबको. नंबर एंड न्यूमरल में फर्क क्या होता है? नंबर का एडजेक्टिव होता है न्यूमरल. और इसका क्या फर्क होता है? या वेरी गुड रुद्रेश. चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल. फैंटास्टिक. जिसको चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल नहीं मालूम है वो बच्चा एनडीए पास नहीं हो सकता. क्लियर है? क्लियर, एकदम क्लियर. डैंड्रफ है क्या? जिसको ये बातें नहीं मालूम है एनडीए पास नहीं हो सकता.
अच्छा ऑफ एंड ऑफ में क्या फर्क है, ओ एफ एक सिंगल और ओ डबल एफ क्या फर्क है? हाँ रिंकू, व्हाट इज द डिफरेंस? चंदनी वेरी गुड, मोड का फॉर्मूला राइट है। मोड कब होता, मोड का डेफिनेशन क्या है? समथिंग विच ऑकर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी का फिजिक्स में घुसते अपन, फ्रीक्वेंसी फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? मैथ्स के फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा मैं फिजिक्स के फ्रीक्वेंसी। मोनिका मैम, रुद्रेश पाटिल वेरी गुड, ऑफ इज अ प्रीपोजिशन एंड डबल ऑफ इज ओ एफ एफ इज एन एडवर्ब। फ्रीक्वेंसी साउंड, ठीक है साउंड है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है मोनिका मैम? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज, वेरी गुड। वो फॉर्मूला लिखो ना, फेमस फॉर्मूला, वी इक्वल एन लैम्बडा, राइट द फेमस फॉर्मूला वी इक्वल एन लैम्बडा। और याद रखो मीडियम जब चेंज होता है ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज होता, वेवलेंथ चेंज होता, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। ये कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? v इज इक्वल टू n लैम्बडा में v चेंज होगा, लैम्बडा चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। ये कितने लोगों को मालूम पड़ा? n अपॉन लैम्बडा नहीं रे बाबा, n इंटू लैम्बडा है। मेरे साइड किधर गया? हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने हार्मोनिक मीन बताया, अभी फिजिक्स में घुस रहा थोड़ा मैं, जुगलबंदी है, सिंपल और हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है? फैजान सर यार जल्दी शेयर करो पीपीटी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रास्ता भटक जाऊंगा, रास्ता भटकना नहीं, मैं ट्रैक चेंज कर दूंगा। हाँ तो इसमें डिफरेंस क्या है मोनिका मैम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्क क्या होता है? चार पॉइंट है, जिस बच्चे ने चार पॉइंट बोला ना उसको गारंटीड एनडीए पास। सर थोड़ा पीछे, सर एक स्लाइड पीछे, बस 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 थोड़ा बड़ा करो उसको। हाँ थैंक यू सर, बहुत आगे गए सर, थोड़ा पीछे। हाँ बस सर इस पर बहुत बात करना है। ऑपरेशन क्या क्या होता है बच्चों को तुम्हारा? बॉड मैस देखो, बॉड मैस, बॉड मैस, समबडी प्लीज राइट बॉड मैस, क्या मतलब है बॉड मैस का? कौन बताएगा बॉड मैस का मतलब क्या है? BODMAS का मतलब क्या हो गया फुल फॉर्म? ये तो निमोनिक्स है, फुल फॉर्म क्या है? प्लीज राइट द फुल फॉर्म, ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? अच्छा बच्चों लोग ये बताओ मेरे को, एक्सक्लूव देखो सर सब लोग लिखते हैं ब्रैकेट ओपन डिवीजन, बचपन में ही पढ़े हैं। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव? दिस इज सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम लिखो एंटोनिम लिखो जरा। जैसा मैंने तुमको सिनोनिम बताया, कल्मिनेशन मतलब जेनिथ, और उसका एंटोनिम है नादिर, नादिर एन ए डी आई आर, लोएस्ट पॉइंट। बच्चों को लोएस्ट पॉइंट से हाइएस्ट पॉइंट तक जाना है हर चीज में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव, व्हाट डू मीन बाय एग्जॉस्टिव, और ये कहां यूज होता है? फैजान सर एनोटेशन बंद करो, बहुत सारे बच्चों को जलन होती है अपने से। अथर्व कोतावड़े वेरी गुड, विनकुलम ब्रैकेट ऑफ डिविजन। सर पीछे रुको रुको सर, हुआ नहीं है। बॉयज एग्जॉस्टिव इवेंट का यूज होता, एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी में यूज होता, लिखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? चांस। एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब रहेगा ना दोनों भी, तो उसमें बेस थ्योरम यूज होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। सो इट हैज गॉट टू डिफरेंट मीनिंग्स, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश दे डोंट अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड बेस थ्योरम। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी यूज्ड, बेस बी ए वाई। अंश श्रीराम 12 सम MFN में, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बेस थ्योरम नहीं आएगा,
एनडीए पास नहीं होगा, एक क्वेश्चन बेशर्म का पक्का आएगा, बी ए वाई। तो किसका इसका मतलब क्या हुआ, बेशर्म को गूगल करो, बेशर्म के सम्स मिलेंगे 50, और बेशर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। Somebody type mutually exclusive and exhaustive event. अब इसका मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग ही नहीं समझेगा तो प्रॉपर्टी का समझ नहीं कर पाएगा। या थैंक यू फातिमा साबले एंड स्ट्रेटजी बेस सरम अल्टरनेटली बेस सरम बेस लॉ और बेस रूल डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ कंडीशंस दैट माइट बी रिलेटेड टू द इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। थैंक यू। 50 सम कर सकते हो आप सिर्फ बेस थ्योरम के ऊपर, और ये बेस थ्योरम काय के ऊपर डिपेंडेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो किसी बच्चे को इंग्लिश में कंडीशनल का मतलब नहीं मालूम तो वो क्या बोलेगा, मुझे बहुत सारे लोग पूछे सर ये क्या पढ़ा रहे आप, कंक्लूसिव कंपल्सिव कोहेरेंस ये क्या होता है, मतलब लोगों को पता भी नहीं है क्या होता है। या इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस। इसको चार्जिंग लग रहा है। ओरिजिन हो गया, पाई हो गया, ई रेस टू पाई का वैल्यू क्या रहता सर, बच्चे लोग ई रेस टू पाई का वैल्यू क्या रहता, ई रेस टू आई पाई।